हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम, रियान नीटिंग क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए ये डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इसको आप चाहे बेबी स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन या जेंट स्वेटर किसी में भी डाल सकते हैं। इसमें 6 के मल्टीपल्स प्लस 4 एक्स्ट्रा स्टिचेस पड़ते हैं और ये 4 रोज का डिज़ाइन है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने 28 फंदे डाले हैं, 6 के मल्टीपल्स 24 प्लस 4 एक्स्ट्रा स्टिचेस, तो 28 फंदे मैंने डाले हैं। तो इसमें दो जो सलाई है वो लाल कलर से बनेगी और दो जो है वाइट कलर से बनेगी। तो पहले हम वाइट कलर शुरू करते हैं। तो इसमें हम 4 फंदे जो हैं पहले सीधे बुन लेंगे और फिर दो फंदों को हम उतार लेंगे बिना बुने। फिर 4 फंदे हम सीधे बुन के दो फंदे उतार लेंगे। ये बहुत सिंपल सा डिजाइन है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। 4 उतार के दो सीधे, फिर 4 बुन लेंगे। जिस कलर की हमें फली डालनी होती है उस कलर के फंदे हम उतारते हैं। जैसे हमें व्हाइट की बनानी है फली, तो व्हाइट कलर के हम उतारेंगे और फिर 4 फंदे हम रेड से बना लेंगे। जैसे स्टार्टिंग में 4 रेड के आए थे, आखिर में भी रेड के आए थे, इसीलिए 4 फंदे एक्स्ट्रा डालते हैं जिससे कि डिजाइन को सेट कर सके। अब हम इसकी सेकेंड रो पे हैं, रॉन्ग साइड। तो जो फंदे हमने वहां सीधे बुने थे, ये 4 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। और जो व्हाइट के स्टिचेस हमने वहां उतारे थे उन्हें इस यहां पर भी सेकंड रो में भी उतारना ही है। ये दो फंदे जो उतारने के हैं ये उतारने ही हैं। फिर 4 फंदे हम ये उल्टे बना के दो फंदे उतारेंगे। चार फंदे बना के दो उतारेंगे। फिर आखिर के ये 4 फंदे जैसे हमारे सीधे में थे ऐसे ही शुरू में थे, वैसे ही आखिर में आ गए। ये अब हम इसकी थर्ड रो पे आ गए। थर्ड रो अब हम, जैसे मैंने बताया था, दो हम रेड से बनाएंगे, दो व्हाइट के कलर से रोज बनाएंगे। तो थर्ड रो में पहले 3 फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। अब इसमें ये जो बात का फंदा है इसको पहले बुनेंगे। ये जो दो फंदे है ना, देखिए इसमें जो ये बात का फंदा है पीछे वाला, इसको हमने पहले बुनना है सीधा ऐसे, और जो ये आगे वाला है उसको बाद में बुनना है। इसी तरह ये वाले जो दो फंदे हैं, जो पीछे वाला फंदा है उसको हमने पहले बुनना है, लेकिन इसे हम यहां से नहीं बुनाएंगे, इसको हम पीछे से बुनेंगे। और जो आगे वाला फंदा है उसको बाद में बनाना है, ये भी पीछे से बनाना है। इस तरह ये फली बन जाती है ऐसे। फिर 3 फंदे हम दो फंदे बुन लेंगे। यहां पे स्टार्टिंग थी इसलिए 3 फंदे किए थे, आगे दो दो फंदे ही बुनने हैं। ये फिर फंदे को हम पीछे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे, फिर आगे वाले फंदे को बुनेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे। अब ये पीछे वाले फंदे से को हम पहले बुनेंगे और पिछली साइड से बुनना है इसे, अब आगे से नहीं बुनाना। और उसके बाद ये जो आगे वाला व्हाइट फंदा है इसको फिर बुनेंगे, फिर इन दो को हम छोड़ देंगे। फिर से दो फंदे देखते हैं, दो फंदे बुन लिए, पीछे वाले फंदे को पहले सीधा बुनना है ऐसे, और फिर आगे वाले फंदे को बुनना है। उसके बाद पिछले जो ये दो फंदे हैं इनमें जो पीछे वाला फंदा है उसको पीछे से पहले बुनना है, और जो ये आगे वाला फंदा है उसको फिर बाद में बुनना है।
लेकिन पीछे से बुनना है। एक बार आगे से हमने बुनना है, एक बार पीछे से बुनना है। फिर इन दोनों को छोड़ देंगे, फिर दो फंदे बना लिए। फिर वही इसको आगे से सीधा बुनना है और इसको भी आगे से सीधा बुनना है, इनको छोड़ देना है। अब ये वाले जो है इसमें पीछे से बुनना है, लेकिन बाद वाले को पहले बुनना है और जो आगे है उसको बाद में बुनना है। बुनना दोनों को पीछे से ही है। और जैसे यहां हमने स्टार्टिंग में तीन बुने थे, ऐसे यहां पे आखिर में हम तीन फंदे बुनेंगे। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई राइट साइड की। अब हम इसकी फोर्थ रो पे आते हैं। फोर्थ रो में हमने सारे फंदों को उल्टा ही बुनना है। बहुत सिंपल डिजाइन है, सिर्फ एक रो में फंदों को चेंज करके हमने बनाना है, बाकी तो सीधी उल्टी की है, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये जो बिगनर्स लेवल के हैं, जिन्होंने अभी अभी निटिंग शुरू करी है, वो भी इस डिजाइन को अच्छे से डाल सकते हैं। और ये सिलाई इस तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं। 6 के मल्टीपल्स पढ़ते हैं और 4 एक्स्ट्रा स्टिचेस पढ़ते हैं और 4 रोज का डिजाइन है। 2 रो के बाद हम इसमें कलर चेंज करते हैं। ये देखिए ये बनके कैसे आया। ये ऐसे ये यहाँ फलियां डल गई। ये जो हमने फंदे चेंज करे थे उसके कारण ये फलियां डल गई। अब फिर से हम रेड कलर यूज करेंगे। 2 सलाई हमने लाल की बनानी है और 2 सलाई हमें सफेद की बनानी है। बहुत सिंपल सा डिजाइन है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।